नमस्कार, चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी कदम के फूल। भौजी लो मैं लाया। सच ले आए? कहाँ मिले? अरे बड़ी मुश्किल से ला पाया भौजी, तुम मजदूरी ले लेना। क्या दोगी? तुम जो मांगो। पर मेरी मांगी हुई चीज मुझे दे भी सकोगी? क्यों ना दे सकूंगी, तुम मेरी वस्तु मेरे लिए ला सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें नहीं दे सकती? नहीं भौजी, ना दे सकोगी, फिर क्यों ना हक कहती हो? अब तुम ही ना लेना चाहो तो बात दूसरी है, पर मैंने तो कह दिया कि तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगी। अच्छा अभी जाने दो, समय आने पर मांग लूंगा, कहते हुए मोहन ने अपने घर की राह ली। दूर से आती हुई भामा की सास ने मोहन को कुछ दोने में लिए हुए घर के भीतर जाते हुए देखा था, किंतु वह ज्यों ही नजदीक पहुंची मोहन दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जा चुका था। वे मोहन से कुछ पूछ ना सकी, पर उन्होंने यह अपनी आंखों से देखा था कि मोहन कुछ दोने में लाया है, किंतु क्या लाया है या न जान सकी। घर आते ही उन्होंने बहू से पूछा, मोहन दोने में क्या लाया था? भामा मन ही मन मुस्कुराई, बोली, मिठाई। बुढ़िया क्रोध से तिलमिला उठी, बोली, इतना खाती है, दिन भर बकरी की तरह मुंह चला ही करता है, फिर भी पेट नहीं भरता, बाजार से भी मिठाई मंगा मंगा कर खाती है। अभी मैं ना देखती तो क्या तू कभी बताती? भामा मुस्कुराते हुए, तो बतलाती क्यों, कुछ बतलाने के लिए थोड़ी ही मंगवाई थी। क्यों, क्या मैं घर में कोई चीज ही नहीं हूँ? तेरे लिए तो मिठाई के लिए पैसे हैं, मैं चार पैसे दान दक्षिणा के लिए मांगू तो सदा मुंह से ना ही निकलता है। तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, क्या उसकी कमाई में मेरा कोई हक ही नहीं? मुझे तो दो चार सूखी रोटी छोड़कर कुछ भी ना नसीब हो, और तू मिठाई मंगा मंगा के खाए, कर ले जितना तेरा जी चाहे, भगवान तो ऊपर से देख रहा है, वह तो सजा देगा ही। मुस्कुराते हुए, क्यों कोस रही हो माँ जी, मिठाई एक दिन खा ही ली तो क्या हो गया, अभी रखी है, तुम भी ले लेना। चल रहने दे, अब इन मीठे पुचकारों से किसी और को बहकाना, मैं तेरे हाल सब जानती हूँ, तू समझती होगी कि तू जो कुछ करती है वह कोई नहीं जानता, मैं तो तेरी नस नस पहचानती हूँ, दुनिया में बहुत सी औरतें देखी हैं, पर सब तेरे तले तले। भामा मुस्कुराते हुए, सब मेरे तले तले ना रहेंगी तो करेंगी क्या, मेरी बराबरी कर लेना मामूली बात नहीं है, मैं ऐसे वैसे थोड़ी हूँ। चल चल, बहुत बड़प्पन ना बघार, नहीं तो सब बड़प्पन निकाल दूंगी। भामा अब कुछ चिढ़ गई थी, बोली, बड़प्पन कैसे निकालोगी माँ जी, क्या मारोगी? माँ जी को और भी क्रोध आ गया और बोली, मारूंगी भी तो मुझे कौन रोक लेगा, मैं गंगा को मार सकती हूँ, तो क्या तुझे मारने में कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा? मारो, देखूं कैसे मारती हो, मुझे वह बहू ना समझ लेना, जो सास की मार चुपचाप सह लेती है। तो क्या तू मुझे मारेगी? बाप रे बाप, इसने तो घड़ी भर में मेरा पानी उतार दिया, मुझे मारने को कहती है, आने दे गंगा को। मैं कहती हूँ कि भाई तेरी स्त्री की मार सह कर अब मैं घर में ना रह सकूंगी, मुझे अलग झोपड़ा डाल दे, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। जिस घर में बहू सास को मारने के लिए खड़ी हो जाए वहां रहने का धर्म नहीं। या कहते कहते माँ जी जोर जोर से रोने लगी। भामा ने देखा बात बहुत बढ़ गई, अतवा बोली, मैंने तुम्हें मारने को तो नहीं कहा माँ जी, क्यों झूठ मूठ कहती हो? हाँ, मैं मार तो चुपचाप किसी की ना सहूंगी, अपने माँ बाप की नहीं सही तो किसी और की क्या सहूंगी? चुपचाप ना सहेगी तो मुझे भी मारेगी ना, वही बात तो हुई, या मखमल में लपेट लपेट कर कहती है तो क्या मेरी समझ में नहीं आता? माँ जी के जोर जोर से रोने के कारण आसपास की कई स्त्रियां इकट्ठी हो गई थी, कई भामा की तरफ सहानुभूति रखने वाली थी।
झपकाई माँ जी की तरफ, पर इस समय माँ जी को फूट फूट कर रोते देखकर सब ने भामा को ही भला बुरा कहा। सब माँ जी को घेर कर बैठ गई। भामा अपराधनी की तरह घर के भीतर चली गई। भामा ने सुना माँ जी आसपास बैठी हुई स्त्रियों से कह रही थी, आप तो दोना भर भर मिठाई मंगा मंगा कर खाती है और मैंने कभी पैसे मांग लिए तो टकासा जवाब दे देती है, कहती है पैसे ही नहीं है। इसके नाम से पैसे आ जाते हैं, मेरे नाम से कंगाली छा जाती है। किसी भी चीज के लिए तरस तरस के मांग मांग के जीभ घिस जाती है। तब जी में आया तो ला दिया, नहीं तो कुत्ते की तरह भूखा करो। या मेरा इस घर में हाल है, आज भी दोना भर मिठाई मंगवाई है। मैंने जरा ही पूछा तो मारने के लिए खड़ी हो गई। कहती है मेरे आदमी की कमाई है, खाती हूँ, किसी के बाप की खाती हूँ क्या? उसका आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, उसका 12 आने हक है तो मेरा 4 आने तो होगा ही। पड़ोस की एक दूसरी बुढ़िया बोली, राम राम, यही पढ़ी लिखी होशियार है। पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, अकल तो कौड़ी के बराबर नहीं है। तुमने भी 9 महीने पेट में रखा बहिन, तुम्हारा तो 16 आने हक है। बहू को बेटा माँ के लिए लौंडी बनाकर लाता है, वह तुम्हारे पैर दबाने और तुम्हारी सेवा करने के लिए है। हमारा नंदन तो जब तक बहू मेरे पैर नहीं दबा लेती, उसे अपनी कोठरी के अंदर ही नहीं आने देता। अपना ही माल खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष बहिन, बेटा ही सपूत होता तो बहू आज मुझे मारने दौड़ती। गंगा प्रसाद गांव की प्राइमरी पाठशाला के दूसरे मास्टर की जगह के लिए उम्मीदवार थे। 17.5 रुपए माहवार की जगह के लिए बेचारे दिन भर दौड़ धूप करते, इससे मिल उससे मिल, न जाने किसकी किसकी खुशामत करनी पड़ती थी। फिर भी नौकरी पाने की उन्हें बहुत कम उम्मीद थी। इधर वे कई मास से बेकार बैठे थे। भामा के पास कुछ जेवर थे जो हर माह गिरवी रखे जाते थे और किसी प्रकार काट कसर करके घर का खर्च चलता था। भामा पैसों को दांत तले दबा कर खर्च करती, सास और पति को खिलाकर स्वयं आधे पेट ही खाकर पानी से ही पेट भर कर उठ जाती। कभी दाल का पानी ही पी लिया करती, कभी खाली पेट ही सो जाया करती। रुपए पैसों की तंगी के कारण घर में प्रायः रोज ही इस प्रकार की कला मची रहती थी। जब गंगा प्रसाद जी दिन भर की दौड़ धूप के बाद थके हारे घर लौटे तब शाम हो रही थी। आंगन में उनकी माँ उदास बैठी थी। बेटे को देखा तो नीची आंख कर ली, कुछ बोली नहीं। गंगा प्रसाद अपनी माँ का बड़ा आदर करते थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे। जिस बात से उन्हें जरा भी कष्ट होता वो बात वे कभी ना करते थे। माँ को उदास देखकर वे माँ के पास जाकर बैठ गए, प्यार से माँ के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों माँ आज उदास क्यों है, क्या कुछ तबीयत खराब है? नहीं, अच्छी है। कुछ भी तो हुआ है माँ, तू उदास है? अब इतना सुनते ही माँ जी से रहा न गया, फूट फूट के रोने लगी। बोली, कुछ नहीं, मैं आदमी औरत में लड़ाई नहीं लगवाना चाहती, बस इतना ही कहती हूँ कि अब मैं इस घर में ना रह सकूंगी, मेरे लिए अलग झोपड़ा बनवा दे, वहीं पड़ी रहूंगी। जी में आवे तो खर्च भी दे देना, नहीं तो मांग के खा लूंगी। क्यों माँ, क्या कुछ झगड़ा हुआ है, सच सच कहना। बेटवा आज ही क्या है, या तो 300 दिन की बात है, तेरी घरवाली ने मोहन से मिठाई मंगवाई, वह दोना भर मिठाई मेरे सामने लाया। मैं जरा पूछने गई तो कहती है हाँ मंगवाती हूँ, खाती हूँ, अपने आदमी की कमाई खाती हूँ, कुछ तुम्हारे बाप का तो नहीं खाती। जब मैंने कहा कि तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, उसकी कमाई में मेरा भी हक है, तो कहती है कि तुम्हारा हक जब था तब था, अब तो सब मेरा है, ज्यादा बोलोगी तो मार के घर से निकाल दूंगी। तो बाबा तेरी औरत है, तू ही उसकी मार सा,
मैं मांग के पेट भले ही भर लूं, पर बहू के हाथ की मार ना खाऊंगी। गंगा प्रसाद अब ना सह सके, बोले, बहू तुझे मारेगी माँ, मैं ही ना उसके हाथ पैर तोड़कर डाल दूंगा। कहते हुए वे हाथ में लकड़ी उठाकर बड़े गुस्से से भीतर गए। भामा को डांट कर पूछा, क्या मंगाया था तुमने मोहन से? गंगा प्रसाद के इस प्रश्न के उत्तर में कदम के फूल थे भैया, कहते हुए मोहन ने घर में प्रवेश किया। तब तक भामा ने दोना उठाकर गंगा प्रसाद के सामने रख दिया था। दोने में 8-10 पीले पीले गोल गोल बेसन के लड्डुओं की तरह कदम के फूलों को देखकर गंगा प्रसाद को हंसी आ गई। मोहन ने दोने में से एक फूल उठाकर कहा, कितना सुंदर है यह फूल भौजी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी कदम के फूल।